हेलो फ्रेंड्स, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि के लिए खूबसूरत सा वाटरफॉल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, ये मुझे इस चौकी पर ही दरबार बनाना है, तो मैंने इसी के नाप का ये एक कार्डबोर्ड जो है वो कटिंग करके और इस तरीके से देखिए टेप से इसके नाप का मैंने बना लिया है, और उसी के नाप का एक थर्माकोल का पीस कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद इस थर्माकोल के पीस को जो है हम अच्छी तरीके से फेविकोल लगाकर इसके ऊपर चिपका देंगे। ये बीच में देखिए मैंने ये कटिंग कर रखा है। ये कटिंग हमें यहाँ पर एक प्लास्टिक का कंटेनर चिपकाना है, तो अगर आपके पास घर में है कोई बास्केट वगैरह तो आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो गमले वगैरह लगाने के लिए पॉट आते हैं उसका इस्तेमाल किया है। ये देखिए यहाँ पर पीछे थोड़ा लूगन लगाकर मैं इसको यहाँ पर चिपका रही हूँ। थर्माकोल पे आपको बहुत ज़्यादा गर्म ग्लूगन नहीं लगानी है, नहीं तो वो एकदम से वहाँ पर उसको जला देती है। प्लास्टिक पे आप अच्छे से गर्म करके ग्लू को उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर थर्माकोल और गत्ते के ऊपर फिक्स कर लिया है। अब इसकी पूरे किनारी और इसके चारों तरफ साइड में हम इस तरीके से थर्माकोल को जो है चिपकाएंगे। वैसे तो ये फेवी बॉन्ड से भी आप कर सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से साइड साइड में मैंने छोटे छोटे कटिंग करके इसको पूरा का पूरा कवर कर लिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा ग्लू गन का इस्तेमाल किया है ताकि थोड़ा जल्दी काम हो जाए। अब मैंने यहाँ पर पीछे मुझे दुर्गा जी को विराजित करना है, तो उसके लिए मैंने दो तीन ये कार्डबोर्ड के गत्ते लिए हैं, कार्डबोर्ड के बॉक्स लिए हैं, और उसके अंदर अच्छी तरीके से अखबार ताकि ये थोड़ा सा भारी हो जाए, और उसको अच्छी तरीके से इस तरीके से बंद कर दिया, सील कर दिया। आप टेप से भी कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने पीछे दो तीन चार जैसे भी आपका अरेंजमेंट हो, जैसे भी आपके पास गत्ते के बॉक्सेस हो उसके हिसाब से आप इसको पीछे की तरफ इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो वो हम थर्माकोल से उसको कवर अप कर लेंगे। ये कूल स्काई की मोटर है, ये कूलर वगैरह में यूज़ होती है। और ये जो ग्रीन कलर का पाइप है, ये जो पौधों में पानी वगैरह देते हैं, ये मैंने वो वाला पाइप कट करके यूज़ किया है। और इस मोटर में जो है ये तार लगा हुआ आता है, उसमें हमने एक स्विच लगा लिया। अब इसको हम इस तरीके से साइड में नीचे की तरफ एडजस्ट कर देंगे और बिल्कुल कॉर्नर से जो है इसका पाइप और तार जो है निकाल देंगे। देखिए साइड में मैंने हल्का सा कट कर दिया है ताकि वो पाइप दबे नहीं। और इसको अब इस तरीके से हल्का सा ग्लू लगा कर हम यहाँ पर चिपका देंगे। ये चिपका दिया ताकि हमारी जो मोटर है वो दिखाई ना दे। अब ये मैंने हल्का सा यहाँ पर स्टेप्स देने का इस तरीके से स्टाइल बनाया है कि थोड़ा सा स्टेप्स लगें, जैसे सीढ़ियाँ हो, तो थोड़ा सा कटिंग करके और इस तरीके से ताकि दोनों तरफ उसको सपोर्ट भी मिल जाए और उसके ऊपर हम ये सीढ़ियाँ टाइप से बना लेंगे। ये देखिए उसके बाद थोड़ा और ऊँचा करने के लिए बीच में छोटे छोटे थर्माकोल के पीसेस लगा दिए, और उसके ऊपर फिर पहले वाली स्टेप से थोड़ी छोटी एक और स्टेप हम जो है वो लगा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको दो स्टेप बनानी है, तीन स्टेप बनानी है। मेरी दुर्गा जी जितनी बड़ी हैं उनके हिसाब से मैं तीन चार स्टेप्स का ये जो है दरबार जो है तैयार कर रही हूँ वाटरफॉल के लिए। और जो हम ये सीढ़ियाँ लगा रहे हैं इसके नीचे अच्छे से थर्माकोल लगाना है ताकि वो अच्छे से बेस जो है मजबूत हो जाए। फेविकोल लगाने के बाद वो एकदम से चिपकता नहीं है, तो आप ऑल पिन से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें ये स्टेयर्स जो है पहले बड़ी, फिर उसके ऊपर थोड़ी छोटी, फिर छोटी, ऐसे करके बनाते जाना है। जब एक बार आप अपनी इन स्टेयर्स से सेटिस्फाइड हो जाएं, तो उसके बाद ये देखिए जो हमारा पाइप था उसको हमने इस तरीके से ऊपर लाके, और पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू गन यूज़ किया और अच्छी तरीके से इसको ऑल पिन से यहाँ पर अटैच कर दिया। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा अटैच हो गया। और अब ये देखिए, ये मैंने जो है पुराने कुछ न्यूज़पेपर्स लिए हैं उसको इस तरीके से मोड़ के अच्छी तरीके से और एक बॉल जैसा बना लिया है, और उसको पूरा अच्छी तरीके से हम टेप से लपेट देंगे। ये हम पत्थरों की तरीके से यूज़ करेंगे इस तरीके की। हमें बहुत सारी बॉल्स बनानी है, थोड़ी इससे बड़ी, थोड़ी इससे छोटी, इस तरीके से देखिए ये सारी बॉल्स जो हैं हमने बना ली। और जो हमारा टब था, जो मतलब हमने बॉक्स लगाया था बीच में, उसके चारों तरफ देखिए इस तरीके से इनको मैंने ग्लू गन की हेल्प से आराम से चिपका दिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये पत्थर अंदर पानी वाली जगह पर नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये हमारे कागज़ के बने हुए हैं तो ये उतने ड्यूरेबल नहीं है। ये बस केवल हम इसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अब मैंने बिरला वाइट सीमेंट लिया है और उसके अंदर
पानी डाल के हम एक थोड़ा अच्छा गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हम सारी स्टेयर्स पे, सब जगह जहाँ पर भी हमने थर्माकोल लगाया है वहाँ पर, और जो हमारे पत्थर हैं उन पर भी हम उसको लगा देंगे। अब वाइट और ब्लैक कलर लेकर ये मैंने हल्का सा ग्रे शेड बनाया है, और जितने भी हमने न्यूज़पेपर के पत्थर बनाए थे उन पर उनको सबको कलर कर दिया, पीछे के बॉक्सेस भी कलर कर दिए, और बीच वाले सारे हिस्से को स्काई ब्लू कलर से हमने कलर कर दिया। ये अब प्लास्टिक की ग्रास बाज़ार में आती है, क्योंकि पानी गिरेगा तो इससे ये ख़राब नहीं होगी। ये देखिए बीच बीच में मैंने ये प्लास्टिक की जो है ग्रास जो है वो लगा दी है, और कहीं कहीं पर सफ़ेद रंग के ये पत्थर लगा दिए। ये भी मार्केट में आपको आसानी से, जो हमने झरने में अपने फाउंटेन में जो पाइप लगाया है उसकी, उसका जो मुंह है वो काफ़ी चौड़ा है, और उसे हमें झरने के जैसा लुक देना है। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक के जो स्ट्रॉ होते हैं थोड़े से मुड़ने वाले, वो मैंने इसके अंदर लगभग चार जो हैं वो एकदम फिट बैठ जाएंगे। जब आप चारों इसके अंदर फिक्स कर लें तो इसको अच्छी तरीके से ग्लू गन लगा कर इसको फिक्स कर लें, ग्लू गन या फिर आप फेवी बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जब मैं वाटरफॉल बना रही थी उस टाइम जब मैंने ये काम किया तो तब मैं फ़ोटो लेना भूल गई, उसके लिए सॉरी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये अलग से करके बता रही हूँ। ये देखिए ये फेवी बॉन्ड है, ये पिडिलाइट कंपनी की आती है, और इस तरीके से देखिए ये झरने में मैंने ये पाइप लगाए हैं और अलग अलग जगह पर इसको फेवी बॉन्ड से फिक्स कर दिया है। फेवी बॉन्ड लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़िए और फिर इसको आराम से उस पर फिक्स कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर हम पानी डाल रहे हैं, पानी डालने के बाद अब मैं इसको ऑन करूँगी, और जो हमने वो पाइप लगाए हैं स्ट्रॉ उन पर हमने थोड़े थोड़े ये ग्रीन पत्ते भी लगा दिए, और ये देखिए हमारा जो झरना है उसने काम करना शुरू कर दिया है। ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको चाहें तो ऐसे ही शोपीस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि मैंने ये नवरात्रि के लिए बनाया है तो अब मैं इस पर आगे की डेकोरेशन करूँगी। ये देखिए मैंने छोटी छोटी देवियाँ बनाई हैं, कुल मिलाकर 9 देवियाँ हैं, 8 ये और एक बड़ी देवी जिसे हम सांझी कहते हैं। ये देखिए ये मैं सांझी लेके आई हुई हूँ, और इसको मैंने इसका श्रृंगार किया है, दो छोटे छोटे दुपट्टे लाकर उनसे एक से लहंगा और एक से चुन्नी बनाई है, एक छोटे मुकुट को गले में उल्टा करके लगाया है जिससे कि वो एक हार जैसा लग रहा है, एक बड़ा सा मुकुट पहनाया है, और ये इस तरीके की एक गत्ते की प्लेट तैयार की है, वो पीछे जैसे उनका चक्र हो इस तरीके से दिखाई देगा, और हम इसको ग्लूगन से चिपका लेंगे। अब देखिए देवी को मैंने जो हमने पीछे गत्ते के डब्बे वगैरह लगाए थे उन पर उनको विराजित कर दिया है, और लाइटिंग वगैरह आप अपनी इच्छा से इसमें लगा सकते हैं। और ये देखिए हमारी देवी जी कितनी सुंदर लग रही हैं, और जब पूरा ये लुक आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे देवी जो है वो पहाड़ों पर बैठी हों, और उनके साथ उनकी दूसरी 8 देवियाँ भी हैं। और ये देखिए छोटा सा एक भाई भी है सांझी का, वेस्ट यूपी में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, सांझी के साथ भाई उसका आता है, छोटे छोटे तोते और टिकड़ी भी होते हैं। और ये देखिए बीच बीच में मैंने कहीं कहीं छोटे छोटे शेर और जंगली जानवर भी लगाए हैं क्योंकि पहाड़ों में अक्सर वो होते हैं। ये देखिए पूरा लुक, पूरे लुक में जो है सांझी हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ये देखिए। और विराजित करने के बाद ये देखिए उसका छोटा सा एक नीले रंग की जिसने शर्ट पहनी है वो सांझी का भाई है, और नीचे मैंने 4 देवियाँ रखी हैं अलग से, और 4 देवियों को इधर उधर पहाड़ों पर बैठाया है। इस तरीके से बैठाना है कि पानी उन देवियों पर ना लगे, पानी का अरेंजमेंट केवल आपका बीच बीच में रहे। अगर कहीं पर आपको लगे कि कोई लीकेज वगैरह है तो वहाँ पर आप सीमेंट से या फिर एमसील वगैरह से उसको बंद कर सकते हैं, और लाइटिंग आपकी अपनी इच्छा के ऊपर है। तो देखिए इस तरीके से हमारा नवरात्रि के लिए बिल्कुल एक पहाड़ों का जो है वो नज़ारा तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा लेट हो गई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा।